Hallelujah. 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 All glory to God. सब महिमा परमेश्वर को मिले। Give thanks to the Lord for this wonderful morning. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का यह अद्भुत सुबह के लिए। God has given us this wonderful day. परमेश्वर ने आज का यह अद्भुत समय और दिन हमें दिया है। Tell to one another you are going to be blessed today. और ताकि हम एक दूसरे को आशीष दे सकें। Amen. We'll tell to one another you are blessed. एक दूसरे को कहें कि हम आज के दिन के लिए आशीषित हैं। You'll be satisfied with the word of God today. और आज हम परमेश्वर के वचन से भरपूर होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Tell to one another you are going to be satisfied today. एक दूसरे को कहें कि आज आप पर्याप्त होंगे, भरपूर होंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. For today's short meditation, we'll be looking into a topic that is power of meditating God's word. आज के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने का शक्ति के विषय में आज हम देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Bible says in many passages that we should meditate God's word. और परमेश्वर के वचन में बहुत जगह पर लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। And wherever meditation it is written, it comes with a blessing. और जहां पर भी मनन करने के विषय में लिखा गया है वहां पर आशीष है। Whenever you read, Bible says you meditate God's word, it doesn't stop there. It goes further and it will say, it will pronounce a blessing in your life. और जहां कहीं पर भी बाइबल में मनन करो के विषय में लिखा गया है वहां पर आप आशीष को प्राप्त करेंगे और आशीष का उच्चारण वहां पर आप पा सकते हैं। And what is meditation? और ये मनन करने का क्या मतलब है? Meditation is not sitting in one place and you thinking about something. और मनन करने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बैठकर आप कुछ विषयों के लिए सोच रहे हैं। In this world, meditation means you sit in a posture just like doing a yoga or some asanas. और इस दुनिया के लिए मनन करने के विषय में ये है कि कुछ योगा करना या कुछ विषय में सोचना। But Bible when it says meditate, it is not the way you think. परंतु जब बाइबल कहता है कि मनन करने के विषय में जो प्रकार से आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेडिटेट इन हिब्रू वर्ड दैट इज हागा। और मनन करने के विषय में जो इब्रानी शब्द है हागा, दैट मींस मटर समथिंग। और इसका मतलब धीरे से कुछ कहना। और इसका मतलब कि धीरे से कुछ कहना, मटरिंग समथिंग, और कुछ विषय में धीरे से करना, और लाइक मर्मरिंग समथिंग, और या तो फिर कुछ विषयों के लिए कुड़कुड़ाना, स्पीकिंग स्लोली, और धीरे से बस बोलना, और अटेम्प्टिंग समथिंग टू से, और कुछ कहने के लिए कोशिश करना। सो दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। और यही होता है जो मनन के विषय में है। बट व्हाट यू मेडिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप क्या सोचते हैं, क्या मनन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी कैन मेडिटेट व्हाट यू लिसन इन दिस, व्हाट यू हियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और आप इस दुनिया से क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, उसमें ये मनन करने में आपको भर पड़ता है। But Bible says we need to meditate God's word. परंतु बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर का वचन पर मनन करें। So today I'm going to say one thing that always remember, your life is connected to your mouth. और आज मैं आपको एक विषय में बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन जो है आपके मुंह में वो संबंधित है। Your mouth decides what you will be tomorrow. और आपका शब्द, आपका मुंह ये निर्णय करता है कि आने वाला कल आप कैसे होंगे। If your mouth says I will be poor till this my whole life, then you will be poor only. अगर आपका मुंह कहता है कि मैं इस जीवन में गरीबी में रहूंगा तो आप आने वाला दिनों में भी गरीबी रहेंगे। God will not take you from that poverty and make you rich. और परमेश्वर आपकी उस गरीबी से अमीरी में वो उठाता नहीं, ऐसा नहीं करता वो। If you speak by your mouth, yes, I will be having sickness time to time throughout this life, then you will have sickness. और परंतु अगर आप ये सोचते हैं, ये मनन करते हैं कि मैं
अब बीमारी हूँ मेरे जीवन में, मेरे जीवन बीमारी आता रहता, अगर आप सोचते हैं मुझसे कहते हैं तो बीमारी आपके जीवन में आता ही है। If you say, while I am living in this earth, I will have sometime sickness, sometime I will have good thing, I will have sometime suffering, then sometime I will have good things, then your life will be same like that. और आप ये सोचते हैं, मुझसे कहते हैं कि कभी मेरे जीवन में बीमारी आएगा, कभी ऐसा आएगा, कभी वैसा आएगा, सोचते रहते हैं, तो वैसे आपके जीवन में बीमारी और गरीबी भी आती है। Because Bible says, your tongue has the power of life and death. क्योंकि बाइबल बताती है कि आपके जीभ में जीवन और मृत्यु का शक्ति है, सामर्थ्य है। Proverbs chapter 18 verse 21 it says. नीति वचन का 18 का 31 में कहता है 21. 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. और क्या कहते हैं, जीभ में जो है ये सामर्थ्य, जीवन और शक्ति का सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु का, जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। Those who love it will eat from it. और जो इसको प्रेम करते हैं वो इससे खाएंगे। If a person through his tongue pronounces life, he will experience life. और एक व्यक्ति जो अपने जीभ से जीवन के विषय में उच्चारण करता है तो वो जिएगा। If a person pronounces death in his mouth, he will experience death. अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के विषय में उच्चारण करता है अपने जीभ से तो वो मृत्यु में जाएगा। It may not be a sudden death, but throughout his life he will experience death and he will die. ये सभी बातें अचानक से नहीं होगा, परंतु वो अपने जीवन में मृत्यु के विषय में अनुभव करते जाएगा। First Peter chapter 3 verse 10 says. और पहला पत्रुस 3 का 10 कहता है, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. और यह लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जीभ के बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। Bible doesn't says if you want to see good days, you vote to the good person. और बाइबल ऐसा नहीं कहता कि अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आप अच्छा बोले, ऐसा नहीं चाहता। आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो अच्छा व्यक्ति को वोट दो, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। आप अच्छा दिन देखना चाहते तो अच्छा व्यक्ति को वोट दो, ऐसा नहीं कहता। ऑलरेडी इट इज बीन 10 इयर्स एंड पीपल स्टिल वांट टू एक्सपीरियंस गुड डेज। और ये 10 साल हो चुका है फिर भी लोग ऐसा देखना चाहते हैं। बट बाइबल सेज इफ यू लव लाइफ एंड वांट टू सी गुड डेज, then you should keep your tongue from evil speaking. और बाइबल कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में अच्छा जीवन देखना चाहते हैं तो अपने जीभ को बुराई से बचा कर रखे। So your mouth decides what you will be tomorrow, not God. इसीलिए आपका मुंह, आपका जीभ भी एक निर्णय लेता है कि आप आने वाले दिनों में कैसे होंगे, ये परमेश्वर नहीं परंतु आपका जीभ डिसाइड करेगा। Even God always want to you to be blessed. God want you to be live a blessed life, prosperous life. But your tongue says, I will not live blessed life. You will not live blessed life. परमेश्वर आपके आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, सफलता देना चाहता है, परंतु आप अपने जीवन से अपने जीवन को ऐसा बोलते हैं कि मैं आशीष नहीं हूँ तो ऐसे ही होएगा आपके जीवन। One verse read again. Proverbs chapter 6 verse 2. और हम एक एक पद को पढ़ेंगे, नीति वचन 6:2। You have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth. तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। You will be ensnared by the word you speak by your mouth. और तुम खुद ही अपने मुंह की बातों से पकड़े जाओगे और फंसा जाओगे। Don't say amen to whatever you hear. और जो भी आप सुनते हैं उसमें आप आमेन मत बोले। Say amen to God's word. और परमेश्वर के वचन पर ही आप आमेन बोले। Yesterday I was meditating upon this word. I was thinking about this word. One word I hear clearly from the Lord, that is where two or three come together in my name, I there be with them. Amen. मैं कल के दिन में इस वचन को मनन कर रहा था तो उस समय मैंने एक शब्द स्पष्ट तरीका से सुना, जो ये है कि दो या तीन एक इकट्ठा होकर मेरे नाम इकट्ठे होते तो मैं उनके बीच मौजूद हूँ। So if you
say amen to a worldly thing that you hear, then you are agreeing with Satan. So you and Satan agreeing together and it will happen. और अगर आप दुनिया के बातों को सुनकर उन बातों में अगर आप एमेन कहते हैं तो आप शैतान के साथ सहभागी होते हैं, क्योंकि शैतान की बातों पर आपने एमेन बोला. So when you say amen to the God's word, you are agreeing with God's word, no matter if there is third person is not there, but you and God is agreeing together and it will happen in your life. और इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन पर amen बोलते हैं तो वहां पर तीसरी व्यक्ति कोई नहीं है, तो भी परमेश्वर के वचन के साथ आप परमेश्वर से सहमति हुए और आपने amen बोला और आपके जीवन में होगा. So if you are not saying yes to God's word, you are not uttering God's word in your mouth, automatically you are giving chance to Satan to say yes. अगर आप परमेश्वर के वचन पर सहमति नहीं होंगे और उस वचन को अधिकार करने के लिए अपने जीवन में का उस अवसर को नहीं देंगे तो आप शैतान के लिए अवसर देंगे. So he will say amen to everything you are hearing. और वो सभी बात जो सुनते हैं उस सारी बातों में आप आमीन बोलते जाओ. So you are telling financial fall is coming to India, then if you say yes and he also agree with you and it will come to you. और आप सुन सकते हैं कि इंडिया में जो आर्थिक अर्थतंत्र जो है घटते जा रहा है, डाउन होते जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें आमीन बोलेंगे तो आप उसमें सहमति है. But today what I am going to say to you is five things that you will benefit when you meditate upon God's word. मैं आज आपको पांच मुद्दा के विषय में बताना चाहूंगा जो आपके लिए आशीष होगा कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के. So I already told you that is meditating God's word means uttering God's word whenever you remember. और मैंने आपको कहा कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने का मतलब है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करने देना और एक अधिकारी होने देना. You do not think I will be closed mouth will never experience victory. और आप अपने मुंह को बंद करके कभी भी विजय जीवन को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे. So a believer should speak God's word against every situation, every problems you face, you should speak God's word. और इसलिए हर एक विश्वासी जो है आपके मुंह से परमेश्वर का वचन पर मनन करके अंगीकार करना है जो कि आप हर प्रतिदिन जिस विषय में आप समस्या पाते हैं उसके विरोध में आपको बोलना है. Whenever two or three gather together, do not gossip, rather speak God's word. और जब भी आप दो या तीन इकट्ठे होते हैं तो उस समय एक दूसरे का बातों को ना बोले, दूसरे का चुगली ना करें, परंतु आप परमेश्वर के वचन का घोषणा करें. So it should be a habit to the Christian believer that they will speak God's word whenever they get a chance. और एक ऐसा एक आदत होना चाहिए विश्वासी का, जब भी वो मिलते हैं तो पर जो अपील उनके जीवन में अवसर मिलता है परमेश्वर के वचन को बोले. So five things I am going to speak today. What are the power of God's word in your life. और मैं पांच विषय आपके विषय में बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन पर मनन करने के विषय में जो सत्य हम प्राप्त करें उसके विषय में. So first thing that is the meditating God's word will make you prosperous and successful. और जो पहला जो मुद्दा है परमेश्वर के वचन पर मनन करने का शक्ति जो है आपके जीवन में ये सफलताएं लाएगा और उन्नति लेके आएगा. हालेलुया हालेलुया. जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 प्लीज रीड. और यहोशू हम 1:8 पढ़ेंगे. कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स. और यहाँ पर लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए. हियर इट सेज ऑलवेज ऑन योर लिप्स. और यहाँ पर लिखा है कि हमेशा सदा. Translate what I am saying. और यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे चित्त से ना उतरने पाए. What I am saying, translate. Meditate always on your lips. और आपके मुंह में हमेशा इस बात का मनन करें. ठीक है, यहाँ लिखा है कि आपका परमेश्वर का वचन आपके होठ से कभी ना उतरने पाए. ऐसा इंग्लिश बाइबल में लिखा है. ठीक है, so keep this book of the law always on your lips. और एक परमेश्वर का जो व्यवस्था का पुस्तक है तुम्हारे मुंह पर हमेशा तुम मनन करते रहो. एंड मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट. और इस विषय में आप दिन और रात मनन करो. दैट मींस व्हेनेवर यू गेट अपॉर्चुनिटी यू
स्पीक अटर गॉड्स वर्ड। और इसका मतलब यह है कि जब भी आपको मौका मिलेगा परमेश्वर का वचन कब बोले, यू कीप ऑन स्पीकिंग गॉड्स वर्ड, और परमेश्वर का वचन बोलते रहे। यू विल नॉट सी नाउ द इफेक्ट ऑफ दैट, बट योर लाइफ आफ्टर 5 years, while the life after 10 years will see the fruit of speaking God's word. और इस समय में आप उस विषय में प्रभावित नहीं पाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद परमेश्वर का वचन जो फल लेकर आएगा वो आपके जीवन में देख पाओगे। You remember, you decide today, I will speak whenever I get opportunity, I will speak God's word. And you see another person who always speak poverty in their life, always speak bad things in your life. Check your life after 2 years or 3 years. और आप देख सकते हैं जो परमेश्वर का वचन को घोषणा करने वाले और जो और एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में हमेशा गरीबी दुखी ऐसा कहता है, उनके जीवन में 2 साल के बाद आप देख पाएंगे। एंड यू विल बी अहेड ऑफ देयर लाइफ and they will be in the same position where they are today. और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा वो उनसे आगे रहेगा, परंतु जो गरीबी के विषय बोलते रहेंगे वो वहीं पर रहेंगे। And he will, whenever a person who speaks every time speaks about sickness and their situation, they even no need to speak about others, but if they speak about I don't have anything, I am suffering, if the person speak that thing whole day, whole year, and he will be saved even next year also. और आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं बीमारी में हूँ, मैं गरीबी में हूँ, ऐसा बोलता रहता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में आप देख पाएंगे 1 साल के बाद भी उसका अवस्था ऐसे ही रहेगा। So what is God's word? इसलिए क्या परमेश्वर का वचन क्या है? God's word is prophecy. परमेश्वर का वचन जो है वो भविष्यवाणी है। So if you speaking God's word today because you already know what is going to happen tomorrow, so you are speaking God's word, so it start happening in your life. और जो परमेश्वर का वचन आप बोलते हैं, आपको मालूम है क्या होगा और आने वाले दिनों में ये वचन जो है आपके जीवन में पूरा होगा। So what is the blessing of speaking God's word? If you keep God's word always in your lips, Bible says, then you will be prosperous and successful. और परमेश्वर का वचन बोलने का फायदा क्या है कि जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं अपने मुंह से, तो आप अपने जीवन में उन्नति और सफलताएं प्राप्त करेंगे। It doesn't say that you may be prosperous. You may sometime prosperous. It doesn't say. Bible says you will be prosperous. और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि तुम हो सकते हो, उन्नति पा सकते हो, ये कब होगा ऐसा नहीं लिखा है, परंतु तुम सफलता प्राप्त करोगे ऐसा लिखा है। करोगे मतलब करोगे, वहां कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आप हो सकते हो, आप सफल हो पाओगे, हो सकते हो आप विजयी जीवन जी पाओगे, ऐसा नहीं लिखा। यदि आप परमेश्वर का वचन को मनन करते हो, आप सफल रहेंगे। हालेलुया, आमेन। सो देयर इज नो डाउट इन इट, और यहां पर कोई भी संदेह नहीं है। इफ यू स्टॉप speaking against God's word and always speak God's word throughout the situation, and after 2 years come back and tell me, I keep on speaking God's word and nothing changed. और आप परमेश्वर के विरोध में बोलना छोड़कर परमेश्वर के वचन के विषय में बोलते रहेंगे, तो 2 साल के बाद आप आकर बोले कि मैंने परमेश्वर का वचन बोलता रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। That is money back guarantee. और ये पैसा का ऐसा एक पैसा का जो बैग है ऐसा गारंटी जैसा है। And I can guarantee even 50,000. मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ 50,000 के लिए। You keep on speaking God's word for 2 years and come back and say to me, nothing changed. आप 2 साल तक परमेश्वर का वचन बोलते रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आप बोल सकते हैं। Then I will give you 50,000. मैं आपको अगर ऐसा आप करोगे तो मैं 50,000 दूंगा आपको। Nothing, it will not, because Bible says it is not my word. Bible says you will be successful and prosperous. ऐसा नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का वचन है और यहाँ पर लिखा है कि तुम सफलता प्राप्त करोगे। Hallelujah. Hallelujah. And people may be thinking there is one line is there and he already missed. और मनुष्य सोचेंगे कि वहां पर एक लाइन था जो छोड़ दिया। But here it is written, you may be careful to do everything written. और यहां पर लिखा है कि तुम चौकसी से करते रहना। So
It will happen, but first thing is what? You need to speak. ये बातें होंगी परंतु पहले क्या करना है? पहले हमें बोलना है. Until or unless your mouth doesn't open, you will not be able to do it. जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा, तब तक आप कर नहीं पाएंगे. So we need to do first step. So today I am going to speak only first step. We will keep when the coming days we'll talk about the second step also. और हम आज पहली श्रेणी को बोलेंगे, देखेंगे और आने वाले दिनों में दूसरी श्रेणी भी हम देखेंगे. First keep on meditating. इसलिए पहला जो है आप मनन करते रहें. So when you keep on meditating, you will start doing it also. जब आप मनन करते रहेंगे, आप उस काम को भी करेंगे. And read Psalms chapter 1 verse 2 and 3. हमी भजन हम भजन संहिता 1:2-3 पढ़ेंगे. पढ़िए कोई. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. हालेलुया. यहाँ लिखा गया, here it is written, who meditates on his Lord day and night. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का व्यवस्था जो है दिन रात में और मनन करने वाला. Here it is written, whatever he do prospers. यहाँ पर लिखा है कि वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा. It doesn't matter you are a laborer or you are a businessman. और यहाँ पर एक कोई ऐसा बात नहीं कि आप एक मजदूर है अथवा एक व्यापारी है. Whatever you do prospers. आप जो कुछ भी करेंगे सफलता होंगे. When Joseph was in jail, there also he prospered. जब यूसुफ जब बंदगृह में था तब भी वो भविष्यवाणी कर रहा था. There also he was a blessing to people. और वहाँ पर भी लोगों के लिए वो एक आशीषित था. So where you are, that doesn't matter. But if you keep meditating God's word, Bible says you will prosper. आप कहाँ पर हो उस विषय में कुछ भी नहीं बताते, लेकिन आप परमेश्वर का वचन बोलते रहेंगे तो आप सफल होंगे. It doesn't matter what you are doing. और ये इसमें कोई बात नहीं कि आप क्या कर रहे हैं. If whatever you do, you keep meditating God's word, you keep pronouncing God's word in your life, wherever you are, there you will be blessed. आप जो भी आप परमेश्वर वचन को मनन करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसमें जो है आप आशीषित होंगे. Bible says whatever they do prosper. और बाइबल बताती है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सफल रहेंगे. हालेलुया. हालेलुया. सो फर्स्ट ब्लेसिंग, फर्स्ट पावर ऑफ मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड इज व्हेन यू मेडिटेट गॉड्स वर्ड यू विल बी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल. और परमेश्वर का वचन पर मनन करने की शक्ति में जो आप देख सकते हैं कि जो भी उसका वचन को मनन करते हैं उनके जीवन में वो सफल प्राप्त करेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे. हालेलुया. हालेलुया. एवरीवन अंडरस्टूड? आप सब समझ रहे हैं? What is the first thing if you meditate God's word you will get? पहली बात क्या है कि अगर आप परमेश्वर का वचन पर मनन करते तो आप क्या पाएंगे? हालेलुया. हालेलुया. सब बोलिए मुंह खोल के, आप सफलता और परमेश्वर का आशीष को, समृद्धि. समृद्धि मतलब परमेश्वर का आशीष है, वो आपका जीवन में आप अनुभव करेंगे. कम से कम ये तो मुंह खोल के बोलिए, बाद में मनन करना. So whatever you are going to do will be prospered because you are going to meditate God's word. और जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आप सफल प्राप्त करेंगे क्योंकि आप जो है परमेश्वर का वचन पर मनन करने वाले हैं. Hallelujah. Hallelujah. I am believing at least some person is going to try this formula. और मुझे विश्वास है कि कुछ लोग ये विषय में आप करने वाले हैं. And if you do, and after 2 years I will be seeing your life. I will be here only. और अगर आप ये करेंगे तो 2 साल के बाद मैं इस बात को सुनने पाऊंगा. And if you are not doing also, I will be same here only. I will see. अगर आप इस बात को नहीं करेंगे तो भी मैं यहीं पर हूँ और मैं आपको देखूंगा. Hallelujah. Hallelujah. So we are a family. We are living together, but someone is flourishing, but someone is in the same place. But I don't want one person
is going down and another person is growing. But I want everyone to grow together as a family. Amen. हम एक परिवार में हैं और एक परिवार में कोई लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई लोग नीचे, कोई ऊपर है, कोई नीचे. ऐसा मैं नहीं देखना चाहता. मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम सभी लोग साथ साथ बढ़े. Hallelujah. Hallelujah. The second thing that we will receive power through meditating God's word, that is, it will make you wise. और दूसरी बात जो है, परमेश्वर का वचन पर मनन करने की शक्ति में जो है, हम उस ऐसा करेंगे तो हम बुद्धिमान होंगे. हालेलुया. हालेलुया. मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड विल मेक यू वाइज. परमेश्वर का वचन पर मनन करने से हमें ये वचन जो है बुद्धिमान बनाएगा. इवन दो वी सीम्ड फूलिश टू द वर्ल्ड, बट अ पर्सन हु मेडिटेट्स गॉड्स वर्ड विल बिकम वाइज. हो सकता है दुनिया के लिए देखने में हम निर्बुद्धि हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन पर मनन करने से हम बुद्धिमान कहलाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. रीड साम्स चैप्टर 119 वर्स 97 टू 100. आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 97 टू 100. 97 से लेकर 102 तक. 100 तक. रीड समवन क्विकली. कोई जल्दी से पढ़े. भजन संहिता 119 97 से 100 जल्दी पढ़ो. हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रति रखता हूँ. हाँ. दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है. हाँ. तू अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है. हाँ. क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है. मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा है. मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ. हालेलुया. हालेलुया. ओह, हाउ आई लव योर लॉ. मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ. I meditate on it all day long. मैं दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता हूँ. Your commands are always with me. आपका आज्ञाएं मेरे पास है. And it makes me wiser than my enemies. जो मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है. Hallelujah. Hallelujah. God's word, meditating God's word makes you wiser than your enemies. परमेश्वर का वचन मनन करने पर आपके शत्रुओं से भी अधिक आपको बुद्धिमान बनाएगा. And it says it has more insight than all my teachers. और यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखूंगा. हालेलुया. हालेलुया. देयर आर बिलीवर्स. और यहाँ पर बहुत सारे विश्वास हैं. देयर कैन बी बिलीवर्स हु आर वाइजर देन पास्टर्स. और वो विश्वासी इतना बुद्धिमान हो सकते हैं, एक पासवान से भी बुद्धिमान हो सकते हैं. इफ दे मेडिटेट God's word more than pastor. अगर वो विश्वासी परमेश्वर का वचन पर मनन करता है तो पासवान से भी बुद्धिमान हो सकता है. If he meditate more than pastor. और वो पास्टर से भी ज्यादा मनन कर सकते हैं. If he meditate more than pastor, he will be more wiser than pastor. और पास्टर से ज्यादा मनन करते हैं तो पास्टर से ज्यादा बुद्धिमान होंगे. Hallelujah. Hallelujah. Don't think that just if I meditate, I will be wiser than pastor. और ये मत सोचिएगा कि मनन करते हैं मैं पास्टर से ज्यादा बुद्धिमान होगा. No, you should meditate more than your pastor, then you can be more wiser than. आपके पास्टर से भी ज्यादा आप मनन करेंगे तभी आप जाकर ज्यादा बुद्धिमान हो पाएंगे. David says, I meditate God's word all day long. इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे जीवन भर में परमेश्वर का वचन मनन करता रहूंगा. मनन करता हूँ. करता हूँ. So I am wiser than my enemies. इसलिए मैं अपने शत्रुओं से भी बुद्धिमान होऊंगा. बुद्धिमान हूँ. I think because God made him wiser than his enemies. और परमेश्वर ने उसको शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान बनाया. And he says, I have more insight than all my teachers. और इसलिए वो कहता है कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझदार हूँ. Hallelujah. Hallelujah. So when we meditate God's word, it gives power to become wiser. जब हम परमेश्वर का वचन पर मनन करते हैं तो ये हमें बुद्धिमान बनाएगा. Hallelujah. Hallelujah. So first thing is, it will make you prosperous and successful. अब पहले हमने देखा कि ये जो है हमें अधिक सफलता है, उन्नति की ओर लेकर जाएगा. And second thing, meditating God's word will make you wise.
और दूसरी बात जो है परमेश्वर का वचन मनन करने पर हम बुद्धिमान हों। इफ यू थिंक यू आर फूलिश, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक मूर्ख हूं, then start meditating God's word. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन पर मनन करने के लिए शुरू कर दें। Don't simply come and say to God, Lord, I am foolish, help me. साधारण तरीका से आकर मत बोलिए कि प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मुझे मदद कीजिए, ऐसा मत बोले। God will not help. आपको परमेश्वर मदद नहीं करेगा। Bible, there is a way to become wise. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम किस प्रकार से बुद्धिमान बन सकते हैं। How? कैसे? हाँ बोलिए, मुंह खोलोगे बताइए कैसे बुद्धिमान बनोगे। तीन दिन उपवास, थ्री डेज फास्टिंग। मैं मूर्ख हूँ, तीन दिन उपवास करूंगा, बुद्धिमान बन जाऊंगा। मैं लिखा है क्या? नहीं बन सकते हो, वो तो आप हड़ताल कर रहे हो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मैं तीन दिन भूखे में आपके सामने बैठा हूँ हड़ताल पे, तो मैं बुद्धिमान बन जाऊं? नहीं है। बाइबल सेज इफ यू मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड यू विल बिकम वाइज। बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे। So there is a way to do things. और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा एक मार्ग है कि हम किस प्रकार से करें। So we cannot say, okay, I am doing this prayer so that I will be blessed. और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं ऐसा प्रार्थना करूँगा तो मैं आशीष दूंगा, ऐसा नहीं है। So if you want to do a business, first you should invest. अगर आप एक व्यापार करना चाहते हैं तो आपको निवेश करना पड़ेगा। You don't say just I will sit at home and my business will flourish. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपने घर में बैठकर मैं अपना व्यापार को बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकते। You should invest first, then you will be a good businessman. आपको पहले निवेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। So if you want to become wise, invest your time in meditating God's word. इसलिए अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर का वचन पर मनन करने के समय को व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। That thing. तीसरी बात, इट विल इंक्रीज योर फेथ। और ये जो है आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Meditating God's word will increase your faith. परमेश्वर का वचन पर मनन करने से हमारे विश्वास आपके विश्वास को बढ़ाएगा। Just praying to God, Lord, increase my faith will not increase your faith. और साधन तरीका से प्रार्थना करके प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा करने से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। You should meditate God's word. आपको परमेश्वर का वचन पर मनन करना ही होगा। Romans chapter 10 verse 17 it says. रोमी 10 का 17 कहता है, Faith comes by hearing. और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। विश्वास, विश्वास। Faith comes by hearing, that is hearing God's word. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। When we hear God's word, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, Until or unless you hear God's word, we cannot meditate God's word. जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, हम उनका वचन को मनन नहीं कर पाएंगे। So when we meditate God's word, it will increase your faith. इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे, ये आपका विश्वास को बढ़ाएगा। So when we fill our hearts with God's word, इसलिए अगर आपका हृदय, हमारा हृदय को हम परमेश्वर का वचन से भरेंगे, इट विल इंक्रीज योर फेथ। ये आपका विश्वास को बढ़ाएगा। योर फेथ टुडे विल नॉट बी सेम टुमारो इफ यू कीप ऑन मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड। आप परमेश्वर का वचन पर मनन करते रहेंगे तो आपका विश्वास आज का जैसा नहीं रहेगा, वो बढ़ते जाएगा कल के दिन में। David trusted God when he was a shepherd. दाऊद जो है परमेश्वर पर भरोसा करता था जब वो चरवाहा था। When he was a shepherd, he trusted God. He keep on meditating God's word. Most of the Psalms, what we read is in the Psalm when David used to meditate when he was a shepherd. जब वो एक चरवाहा था, उस समय परमेश्वर भरोसा रखते हुए परमेश्वर का वचन पर मनन करता है, इसलिए उसने बहुत सारे ऐसा भजन संहिता लिखा है जहां पर वो कहता है कि मैं परमेश्वर का वचन पर मनन करता हूं। And that's how he got the faith to defeat the giant like Goliath. और वहां पर देखते हैं कि किस तरीका से दाऊद ने जो है गोलियत को परास्त किया था।
You cannot just simply go and defeat Goliath in one day. और वो साधारण तरीका से जाके आप उस गोलियात को परास्त नहीं कर पाएंगे. It is he practiced God's word when he was shepherd. ये इसलिए हुआ कि दाऊद जो है जब वो चरवाहा था उस समय उसने परमेश्वर का वचन को मनन किया. Hallelujah. Hallelujah. So when he killed the lion, when he killed the animals that were coming towards to attack his sheep, he got the faith. Then he was ready to face that giant too. जब दाऊद जो था कि अपने भेड़ों पर जो सिंह और जो भी वन्य जंतु आता था मारने के लिए तो उस समय वो विश्वास के साथ उस पर हमला करता था. Now you don't have the faith to speak against your cough. How can you speak against cancer? और अगर आप अपने एक खांसी के लिए आपके पास विश्वास नहीं है तो आप एक कैंसर पर कैसे आप उसको बोल पाएंगे? Hallelujah. Hallelujah. Now I have a faith. Now I can drive away cough. और मैं मेरे पास ये विश्वास है मेरा सारा खांसी को मैं हटा सकता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. And I am meditating God's word. One day I can speak against cancer too. Amen. और मैं इन दिनों में परमेश्वर का वचन का मनन कर रहा हूँ और एक दिन मैं वो कैंसर को भी हरा पाऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. Now I can speak to anyone. You can live without cough throughout the year. Amen. और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि परमेश्वर का वचन को मनन करने से आप फिर खांसी बिना रह पाएंगे आने वाले सालों में. But in the coming days, when my faith is increased, I will speak from here. I experience because my faith will be increased because I am meditating God's word. आने वाला दिनों में मैं बोल पाऊंगा आगे आगे क्योंकि मेरा विश्वास जो बढ़ रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन पर मैं मनन कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरा विश्वास को बढ़ाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Your faith will not increase watching news. और आपके विश्वास आपने जो जो बताया आपको उससे नहीं बढ़ेगा. My faith started increasing when I stop watching news. और मैं जो है समाचारों को सुनने के लिए मैंने जब बंद किया तभी मेरा विश्वास बढ़ने लगा. Hallelujah. Hallelujah. That is the greatest trap. और ये बहुत बड़ा एक फंदा है. News is the greatest trap in your life. और जो समाचार है आपके लिए बहुत बड़ा एक फंदा हो सकता है फंसने के लिए. It looks like funny. और ये आपको देखने के लिए ऐसा एक मजाक जैसा लगेगा. But you try. परंतु आप कोशिश करें. You stop listening news and start pronouncing God's word. You will see change in your life. जब आप समाचारों को सुनना देखना बंद करेंगे और परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आप देख पाएंगे. I am not telling. Don't watch news at all. Yeah. Maximum time you can give to news is 10 minutes. और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप समाचार को मत देखें लेकिन अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर 10 मिनट ही आप देखें. I said 10 minutes mostly. और मैंने कहा कि 10 मिनट अधिकतम ज्यादातर. More than that, if you are giving time to news in a day, then your faith will go down. अगर आप एक दिन में 10 मिनट से अधिक आप एक समाचार के लिए समय देते हैं तो आपका विश्वास नीचे चला जाएगा. And the time you should give at least to meditate is also 10 minutes. और यही समय जो है अगर आप 10 मिनट भी मनन करने के लिए समय दें कम से न्यूनतम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों सुनने के लिए 10 मिनट दो और परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए कम से कम 10 मिनट दो. ज्यादा से ज्यादा तो आपके हाथ में. Hallelujah. Hallelujah. So you practice this. Whatever I am speaking, it is not I am just listening from someone and speaking. I am speaking from my experience. और मैंने जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ ये किसी से सुना हुआ ऐसा बात नहीं है. जो मैं बता रहा हूँ ये जो है मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ. My faith has increased a level when I start pronouncing God's word and stop listening to news. और मेरा विश्वास का स्तर बढ़ने का ऐसे बढ़ते चला गया जब मैंने परमेश्वर का वचन को उच्चारण करना शुरू किया और ऐसे न्यूज समाचार को सुनने बंद किया. That's why I started buying newspapers. I cannot read newspaper for a long time. Just
फोर्थ चार बार ऐसे करो न्यूज़पेपर खत्म। So, मतलब न्यूज़पेपर लेने का यही मकसद था ताकि उसमें ज्यादा देर नहीं है। कोई कोई न्यूज़पेपर भी पूरा पढ़ लेता है, चार घंटे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे भी नहीं है। सो व्हेन यू इफ यू हैव टाइम कीप रीडिंग गॉड्स वर्ड एंड प्रोनाउंसिंग इट। अगर आपके पास समय है तो आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहे, मैं इसके लिए उच्चारण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो थर्ड थिंग दैट इफ यू मेडिटेट गॉड्स वर्ड योर फेथ will increase। और तीसरी बात जो है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। There are levels of faith। और यहाँ पर विश्वास का भी एक स्तर है। I don't know which level you are। मुझे पता नहीं कि आप कौन सी स्तर पर हैं। So for example, according to sickness, I am in cough level। हो सकता है कि बीमार के विषय में देखते हैं तो मेरे जीवन में खांसी था। मेरा स्तर है वो खांसी तक ठीक कर सकता हूँ। मेरा जो विश्वास की स्तर जो है कि खांसी ठीक कर सकते हैं। मतलब वो थे ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई है ठीक ठाक बुखार ठीक कर लेता है, कोई है स्पेशलिस्ट है स्किन के लिए स्पेशलिस्ट है। तो मतलब ये सब आप ये मत सोचना है कि वो एक दिन में वो प्राप्त कर ले, नहीं है। उनका अनुभव परमेश्वर का वचन को आपका जीवन में आप घोषणा करते रहेंगे, आप प्रोनाउंस करते रहेंगे, आपका विश्वास का स्तर जो है बढ़ते रहेगा। सो यू विल कीप इंप्रूविंग योर लेवल ऑफ फेथ। और इसलिए आपका जो विश्वास का स्तर है आप बढ़ाते जाएंगे। सो फोर्थ थिंग, और चौथी बात, व्हेन यू कीप ऑन मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड यू विल बी एक्सपीरियंसिंग गॉड हिमसेल्फ। और अगर आप परमेश्वर का वचन को मनन करते जाएंगे तो परमेश्वर खुद को ही आप मनन कर एक अनुभव कर पाएंगे। So read John chapter 14 verse 21। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 21। 14:20। पढ़ो पढ़ो जल्दी। जिसके पास मेरी आज्ञा है या वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सेज आई विल शो मायसेल्फ टू हिम। और बाइबल कहता है कि मैं उसमें अपने आप को प्रकट करूंगा। Whoever meditates God's word, whoever speaks God's word will be able to experience God in their life. जो कोई परमेश्वर का वचन को बोलता है और परमेश्वर का वचन पर मनन करता है वो परमेश्वर का अनुभव उसके जीवन में कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Bible says, I will show myself to him. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करता हूँ। If you want to see God in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, Keep meditating God's word। तो आप परमेश्वर का वचन को मनन करते रहें। And it is the last one I am going to speak. It is not only five. There are many, but for today I have brought only five. The fifth one is you will have victory over sin। और यहाँ पर पांच में बहुत अधिक भी हो सकते हैं, परंतु अगर पांच में मैंने जो पांच लेकर आया हूँ, पांचवा ये है, परमेश्वर का वचन पर मनन करने से आपके जीवन में आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। विक्ट्री ओवर सिन, और सिन पर आप जय प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। साम्स चैप्टर 119 वर्स 11, भजन संहिता 119 का 11। Hallelujah. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. मैंने आपका वचन को मैंने हृदय में रखा है कि मैं आपके विरोध में पाप ना कर सकूं। Hallelujah. Hallelujah. When you keep God's word in your heart, it will come in your mouth. When it comes in your mouth, you will have victory over sin. जब आप परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखेंगे और वो हृदय का वचन आपके मुंह में आएगा और वो मुंह का वचन जो है उस पाप पर विजय प्राप्त कर पाएगा। Because Bible says, whatever it is in your heart, will come out in your mouth. क्योंकि बाइबल बताता है जो कुछ भी आपके हृदय में है वो आपके मुंह से बाहर आएगा। When you speak God's word through your mouth, you will have victory over sin. जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे पाप के विरुद्ध में, आपके जीवन में उस पाप पर आप जय प्राप्त कर पाएंगे। So last week I was talking to a person. He said he's already Christian for now 10 years. Now her daughter come and told me that he still use गुटका।
और पिछले हफ्ता एक व्यक्ति मेरे पास आया कि और बेटी ने बोला कि पापा जो है वो गुटखा खाते हैं. He is already believer for 10 years now. और वो व्यक्ति 10 साल से विश्वासी था. And I told him, you can overcome this. और मैंने उनसे कहा कि आप इससे भी जय प्राप्त पाओगे. But he don't want to agree this. परंतु वो इस बात में सहमत नहीं होना चाहा. Though he did not say, I don't agree, but by looking at his face, I already come to know. He says, I won't be able to overcome this. और वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे में देखकर मैं सोच पा रहा था कि वो ऐसा चाहता है. So until when you keep pronouncing God's word, when you keep meditating God's word, we'll be able to overcome sins. और जब आप परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आप पाप पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे. One more verse, please read James chapter 1 verse 21. याकूब 1:21. इसलिए सारी मनिलता और बैरभाव की भर्ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है. हालेलुया. हालेलुया. Humbly accept the word that is planted in you which can save you. और उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो और बोया गया है वो तुम्हें उद्धार कर सकता है. हालेलुया. हालेलुया. God's word only can deliver someone from any kinds of sin he is going through. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कोई व्यक्ति को उद्धार दे सकता है जो व्यक्ति पाप के द्वारा जा रहा हो. I cannot scold someone and turn him from sin. मैं किसी को गाली देकर बुरा भला कहकर उसको पाप से निकाल नहीं सकता. I cannot beat someone and turn him away from sin. मैं उसको मार कर भी पाप से निकाल नहीं सकता. But God's word, that's why more than scolding, more than beating, when we keep God's word in our heart, if your children have God's word in your heart, in their heart, you no need to use stick when they are grown up. और इसलिए हर किसी को भी गाली देने से, डांटने से, तो हमारे बच्चों को कैसे वो आएंगे, उनको छड़ी दिखाने का जरूरत नहीं होगा जब वो बड़े होंगे. If they have God's word in their heart, it will protect them from sinning. अगर उनके जीवन में परमेश्वर का वचन है उनके हृदय में, तो वो पाप से बचवाएगा. हालेलुया. हालेलुया. So the fifth one is, God's word will give you victory over sin. परमेश्वर का वचन जो है, मनन करने पर परमेश्वर का वचन हमें पापों में जय वन जीवन देगा, विजय देगा. हालेलुया. हालेलुया. Five things we learn today. पांच बातें आज हमने सीखा. Meditating God's word will make you prosperous and successful. परमेश्वर का वचन पर मनन करने से हम सफलताएं और उन्नति प्राप्त करेंगे. And meditating God's word will make you wise. और परमेश्वर का वचन पर मनन करने से हम बुद्धिमान होंगे. Meditating God's word will increase your faith. और परमेश्वर का वचन को मनन करने से हमारे विश्वास बढ़ता है. When we keep meditating God's word, you will experience God Himself in your life. और जब परमेश्वर का वचन आप मनन करेंगे, आप परमेश्वर का आप खुद परमेश्वर को एक अनुभव कर पाएंगे. And lastly, when you meditate God's word, you will have victory over sins. और अंत में हमने देखा कि जब आप परमेश्वर का वचन पर मनन करते हैं, तो आप पाप पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे. Hallelujah. Amen. I believe you are blessed by the word you have listened today. But not only saying I am blessed, but try to practice at least for some time every day, and it will bring change in your life. और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने बात को सुना और आप पालन करेंगे. इतना ही नहीं, परंतु आप अपने जीवन में हर दिन आप इस बात को कोशिश करें अपने जीवन में. And we will grow together. We'll grow together in the Lord, and one day we will be in that position where we'll be experiencing God in day-to-day life. और इस प्रकार से करते जाने से हम सभी लोग एक दिन आगे बढ़ते जाएंगे और वो स्थान में हम प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने. We'll all be successful in our life. और हम सभी लोग सफल प्राप्त करेंगे. No one will be feeble in our church. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा हमारे चर्च में.
who will be feeble, means कमजोर. और कोई भी ऐसा कमजोर नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे. If we keep practicing God's word in our life, keep proclaiming God's word our life. आप परमेश्वर का वचन अपने जीवन में अभ्यास करते रहेंगे, अगर आप घोषणा करते रहेंगे तो. Start with at least 10 minutes a day. इसलिए minimum न्यूनतम रूप से 10 मिनट आप कोशिश करें. I'm not telling you 1 hour, 2 hour, but start with 10 minutes and increase it day by day, month by month. You will experience a difference in your life. मैं आपको एक घंटा, दो घंटा नहीं बोल रहा हूँ, परंतु एक दिन में at least आप 10 मिनट आप करते जाए और महीना, साल में आपके जीवन परिवर्तन आएगा. Before increasing this. Decrease what I said not to do. और ये बात बढ़ने से पहले और मैंने जो नहीं करने के लिए बोला उस बात को आपको कम कराते जाना है. Understand the power of your mouth. आप समझ लीजिए कि आपके मुंह में शक्ति है. Hallelujah. Hallelujah. Again I am ending you with this. You will be tomorrow what you proclaim in your mouth today. और मैं अंत में बोलना चाहूंगा, आप ऐसा बनोगे कल जो आज आप घोषणा करते हैं अपने मुंह से. हालेलुया. हालेलुया. सो इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी वाइजर, इफ यू वांट टू हैव फेथ दैट इज इंक्रीज्ड इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू ओवरकम सिंस इन योर लाइफ, कीप मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड. अगर आप अपने जीवन में सफल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आपका विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पाप में जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन पर आप मनन करते रहें. हालेलुया. हालेलुया. मे गॉड ब्लेस यू.